हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरंग क्लास। आज आपके लिए लिख रहा हूँ क्लास नाइन्थ की मूवमेंट बुक से चैप्टर नंबर 8, अ हाउस इज नॉट अ होम बाय जैन गाउडियोसो। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो देखते हैं बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है। यहाँ पर आपको बताना है, हाउ डिड द नरेटर फील एट द फर्स्ट ईयर ऑफ हिज हाई स्कूल। नरेटर को अपने जो हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर था वो कैसा लग रहा था। और ऑप्शंस आपके सामने हैं, हैप्पी और सैड और ऑकवर्ड और एक्साइटेड। तो यहाँ पर जो एक डिफरेंस बताया गया है, जैसे वो जूनियर स्कूल से हाई स्कूल में गया था, तो आपको बताना है उसको पहला साल कैसा लगा जैसे ही उसने स्कूल में एंटर किया हाई स्कूल में। तो यहाँ करेक्ट आंसर है बच्चों ऑकवर्ड जो है, यानी उसे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था उस स्कूल में जाकर। और उसका रीजन क्या है कि उसके दोस्त पीछे रह गए थे सबके सब। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड द नरेटर फील स्ट्रेंज एट द न्यू स्कूल। नरेटर को जो है सबसे स्ट्रेंज बात क्या लगी थी नए स्कूल में। पहला था कि वो कैसे जो है नए स्टूडेंट्स के साथ मिक्सअप होए, या फिर उसे ये था कैसे फेमिलियर हो जाए नए टीचर्स के साथ, या फिर टू बी फेमिलियर विद द इन्वायरमेंट के साथ कैसे फेमिलियर हो, या फिर है कि स्टार्टिंग ओवर एज ए फ्रेशमैन। अब देखिए, जब आप एक स्कूल में होते हैं और वहाँ पर आप फॉर एग्जाम्पल फिफ्थ क्लास में आपने जो है उस स्कूल को छोड़ा, सिक्स में आप किसी नए स्कूल में गए, तो फिफ्थ क्लास में आप सीनियर माने जाओगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्लास। लेकिन जब आप नए स्कूल में जाते हैं तो आपको वहाँ पर क्या करना होता है, स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन जो है। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू द स्टोरी, तो हमें ऑप्शन डी ही यहाँ पर एक्सेप्ट करना होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, हाउ बिग वॉज द नरेटर्स न्यू स्कूल। नरेटर का नया स्कूल कितना बड़ा था। ऑप्शन आपके सामने है, एज बिग एज द ओल्ड वन, जितना बड़ा उसका पहले पुराना स्कूल था, या फिर कहें अ वेरी स्मॉल साइज स्कूल, या बहुत छोटा था, या कहें ट्वाइस एज बिग एज द एज इज ओल्ड स्कूल, या उससे जो पुराने स्कूल से दो गुना ज्यादा बड़ा था वो। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी वो जो है दो गुना ज्यादा बड़ा स्कूल था जो उसका नया स्कूल था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, व्हाई डिड द नैरेटर फील आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, लोनली, अकेला सा फील क्यों कर रहा था वो वहां पर। तो ऑप्शन आपके सामने है, बिकॉज ही वॉज वेरी वीक इन स्टडी, या फिर कहें बिकॉज ही हैड अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर, या उसका नेचर ही उसका स्वभाव ही कुछ अलग से था, या कहें बिकॉज ऑल हिज फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट स्कूल, या उसके जो दूसरे दोस्त हैं वो दूसरे स्कूलों में चले गए थे, या फिर कहेंगे नन ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, बिकॉज ऑल ऑफ हिज जो उसके फ्रेंड्स थे वो अलग अलग स्कूल में जा चुके थे और यहाँ पर वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, व्हाई वुड हिज ओल्ड टीचर एनकरेज हिम टू गेट हिमसेल्फ इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज। अब उसके पुराने टीचर उसको क्यों कहते थे कि तुम नए स्कूल में अपनी जो एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व रखो, जो भी स्कूल की एक्टिविटीज़ होती हैं। उसका रीज़न क्या है, बिकॉज ही ऑलवेज अवॉइडेड स्कूल एक्टिविटीज़ अर्लियर, यानी पहले वो हमेशा स्कूल एक्टिविटीज़ को अवॉइड कर देता था, या कहें बिकॉज ही वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड इन गेम्स, या कहें सो दैट ही कुड बिकम अ गुड ओरेटर, या फिर वो कहते हैं कि शायद ही अच्छा ओरेटर बन जाएगा। ओरेटर क्या होता है, जो बहुत अच्छा होता है बोलने में, या फिर लास्ट ऑप्शन है, सो दैट ही कुड मीट न्यू पीपल। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो उसके ओल्ड टीचर हैं वो उसको जो है बहुत अच्छे से समझते थे कि वो परेशान है नए स्कूल में, और वो चाहते थे कि वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे ताकि वो नए लोगों से मिल पाए, नए दोस्तों से उसकी जान पहचान, नए बच्चों के साथ उसकी जान पहचान हो। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, दे मेड मी प्रॉमिस दैट व्हेन दैट हैपेंड आई वुड स्टिल कम बाय एंड विजिट देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब यहाँ पर ये दे किसके लिए यूज़ हुआ है, जिसको मतलब जिन्होंने उसको प्रॉमिस किया था कि तुम आ जाना जब तुम्हारा मन करे। तो यहाँ दे किसके लिए यूज़ हुआ है, तो बच्चों ये थोड़ा सा आपको सोच के देना होगा आंसर इसका, वो नैरेटर के पेरेंट्स से, या फिर नैरेटर के न्यू टीचर से, या नैरेटर के ओल्ड स्कूल टीचर से, या फिर नैरेटर के नेबर से। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है, नैरेटर की जो ओल्ड स्कूल टीचर्स है उन्होंने उसे कहा था कि तुम जब अपने आप को थोड़ा सा सेटल कर लो तो तुम यहाँ पर जब आपका मन मतलब मन करे तुम यहाँ पर आ जाना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, व्हाट वाज द नैरेटर डूइंग वन संडे आफ्टरनून। एक संडे आफ्टरनून को नैरेटर क्या कर रहा था, तो ऑप्शन आपके सामने है, ही वॉज डूइंग हिज होमवर्क, और ही वॉज स्लीपिंग, ही वॉज प्लेइंग, और हम लास्ट ऑप्शन में देखेंगे ही वॉज राइटिंग ए लेटर टू हिज आंट, या फिर अपनी आंट को कोई लेटर लिख रहा था। तो बच्चों यहाँ पर वेरी क्लियर आंसर है, ही वॉज डूइंग हिज
होमवर्क, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। वेयर वॉज द नैरेटर सिटिंग एट होम फॉर डूइंग इज होमवर्क, वो कहाँ पर बैठा हुआ था अपना होमवर्क करने के लिए, अपने बेडरूम में या अपनी मदर के बेडरूम में या फिर अपने स्टडी रूम में या फिर अपने जो उसका डाइनिंग रूम टेबल है वहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी वो अपने डाइनिंग रूम टेबल में बैठा हुआ था, अपना काम कर रहा था जब वो। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट वाज द कलर ऑफ द नैरेटर्स कैट, नैरेटर की कैट का कलर क्या था। तो ऑप्शन आपके सामने है ब्राउन टैबी या ब्लैक टैबी या ग्रे टैबी या फिर रेड टैबी। अब यहाँ पर जो है डिफरेंट कलर्स हैं। टैबी का मतलब होता है जब डॉटेड सी होती है, थोड़ी सी उसमें हल्के हल्के जो है पैचेस कह सकते हो आप, अलग कलर के होते हैं। तो यहाँ राइट आंसर क्या होना चाहिए, तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी, रेड टैबी कैट जो है उसकी थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। हाउ वाज द वेदर ऑन दैट संडे आफ्टरनून, यानी संडे आफ्टरनून का अगर वेदर की बात करें तो कैसा था, कोल्ड डे था या विंडी फॉल डे था या फिर कहें दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होंगे। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी कोल्ड डे भी था और हवा भी चल रही थी बड़ी सारी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। वेयर वॉज द फायर गोइंग ऑन इन द नैरेटर्स हाउस, यानी नैरेटर के हाउस में फायर कहाँ पर चल रही थी। तो ऑप्शन आपके सामने है इन द किचन, इन द फायर प्लेस, आउटसाइड द हाउस या फिर ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर है इन द फायर प्लेस, जो है वहां पर फायर जल रही थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। व्हाट वाज द नैरेटर्स रेड टैबी कैट डूइंग व्हाइल द नैरेटर वाज डूइंग हिज होमवर्क, यानी अब आपको बताना है उसकी कैट क्या कर रही थी जब नैरेटर अपना होमवर्क कर रहा था। तो ऑप्शन आपके सामने है इट वाज लाइंग ऑन द टॉप ऑफ हिज पेपर्स, या उसके पेपर्स के ऊपर बैठी हुई थी, और इट वाज परिंग लाउडली। परिंग लाउडली का मतलब क्या होता है, हल्की सी जो आवाज करना लेकिन काफी शार्प जो है। और इट वॉज ओकेशनली स्वेटिंग एट द नैरेटर्स पेन फॉर एंटरटेनमेंट सेक, और इसका मतलब होता है कि वो नैरेटर के पेन को बार बार पंजा मार रही थी जोर से अपने एंटरटेनमेंट के लिए, या फिर कहें कि सभी के सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द कैट द गोल्ड लाइफ, गुड लाइफ इनफैक्ट हम कहेंगे, यानी उस कैट को अच्छी लाइफ देने के लिए कौन जिम्मेदार था। तो ऑप्शन आपके सामने है द नैरेटर्स मदर या द नैरेटर या फिर नैरेटर के जो कुक हैं या ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट यहाँ करेक्ट आंसर है कि नैरेटर कहते हैं मैं जो है उसको बचा कर लाया था। तो ऑब्वियसली द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नैरेटर जो है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। हु हैव रेस्क्यूड द कैट व्हेन इट वॉज ए किटन, यानी अब क्वेश्चन ये 13 से मैच होता जुलता है कि किसने बचाया था जब जो कैट जो है किटन थी। नैरेटर कहते हैं कि मैंने बचाया था। तो यहाँ पर 14 में भी ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा, द नैरेटर्स मदर, द नैरेटर या नैरेटर के कुक या नैरेटर के फादर ने। तो अंडरस्टूड मैंने पहले बता दिया था, यहाँ राइट आंसर है नैरेटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। व्हाट डिड द नैरेटर्स मदर डू टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म, यानी नदर जो नैरेटर की मदर है वो क्या कर रही थी घर को थोड़ा सा वार्म करने के लिए, गर्म करने के लिए, ताकि गर्म हो जाए, ठंड थी बाहर बहुत। तो ऑप्शन आपके सामने है शी ड्रू ऑल द कर्टन्स ओवर द विंडोज, उसने सारे के सारे कर्टन्स जो हैं वो कर दिए थे, या फिर शी क्लोज्ड ऑल द विंडोज, या सारी विंडो ही क्लोज कर दी थी, या कहें शी केप्ट स्टॉकिंग द फायर या फायर जलाई हुई थी, ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों हम फिर से कहेंगे टेक्स्ट को फॉलो करना है, शी केप्ट स्टॉकिंग द फायर, ये राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। वेयर डिड द नैरेटर नोटिस द स्मोक पाउडरिंग इन, स्मोक जो है कहाँ से आ रहा था, नैरेटर ने कहाँ नोटिस किया। तो थ्रू द विंडोज, थ्रू द डोर्स, थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग या थ्रू द किचन डोर। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर है थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग, यानी जो सीलिंग के क्रैक्स हैं वहां से थोड़ी थोड़ी जो है धुआं उसे आता हुआ दिखाई दिया। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए आप, व्हाई डिड द नैरेटर रन टू द नेबर्स, नैरेटर जो है अपने पड़ोसियों के पास किस लिए भागते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है टू टेक सम वाटर और टू आस्क फॉर शेल्टर और टू मेक ए कॉल टू द डॉक्टर या टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर राइट आंसर है टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, इसलिए वो नेबर के पास जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन 18 के लिए। विच बॉक्स डिड द मदर ब्रिंग आउट ऑफ द हाउस, यानी वो उस घर से जो फायर में था बिल्कुल, वहाँ से कौन सा एक वो लेकर आती है बॉक्स जो कि बड़े सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से भरा हुआ था। क्या वो वुडन बॉक्स था, एक प्लास्टिक बॉक्स था, एक मेटल बॉक्स था या फिर एक टिन बॉक्स था।
तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर है इट वॉज अ मेटल बॉक्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। वेयर डिड द मदर ड्रॉप द मेटल बॉक्स, मदर ने जो है उस मेटल बॉक्स को कहाँ फेंक दिया था। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं इन द लॉन, ऑन द थ्रेशोल्ड और ऑन द आउटर रोड या फिर अंडर द ट्री। तो बच्चों हम फिर से टेक्स्ट को फॉलो करने वाले हैं, यहाँ राइट आंसर है इन द लॉन, यानी लॉन में जो है वो फेंक दिया था उस मदर ने जो है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। व्हाई डिड द नैरेटर्स मदर रन बैक टू द हाउस अगेन, फिर से जो है मदर अंदर किस लिए जाती है घर में। टू ब्रिंग द नैरेटर्स फादर्स पिक्चर्स या कहें टू ब्रिंग द नैरेटर्स फादर्स लेटर्स या कहें दोनों ही चीजें लाने के लिए वो जाती हैं। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर है बोथ ए एंड बी, उसके फादर की जो कुछ मेमोरीज थी क्योंकि उसके फादर की नैरेटर के फादर की डेथ हो चुकी थी तो कुछ पिक्चर्स भी थी और कुछ लेटर्स भी थे जिनको लेने के लिए वो जाती हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। और व्हेन द नैरेटर्स मदर वेंट इनसाइड द नैरेटर वांटेड टू फॉलो हर, लेकिन एक बड़ा सा हाथ जो आता है जो उसको पीछे की तरफ रोक लेता है। अब ये हाथ किसका था, तो ऑप्शन आपके सामने है हिज नेबर्स, हिज अंकल्स, फायरमैन्स और नन ऑफ दीज या फिर कहें कोई भी नहीं यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर है ये एक फायरमैन का हाथ था जिसने उसको रोक लिया था कि वो फायर की तरफ मत जाए। तो बच्चों इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करूँगा, लेकिन ये पार्ट वन है, पार्ट टू मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। अगर इसी में डाल देता हूँ वो क्वेश्चंस भी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। सो 21 क्वेश्चंस यहाँ स्टॉप करूँगा, लेकिन 22 से मैं आपकी जो नई वीडियो लेने वाला हूँ आप उसको देखते रहिएगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।